सभी को मेरा नमस्कार जय हिंद जय भारत मैं हूं रुद्र प्रताप और आप हैं रुद्र गुरुकुल लाइव के यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को ये बता दूं कि आज जो हम करने वाले हैं वो सी सेट जो अभी चार अक्टूबर को पेपर हुआ आपका जी पेपर टू जिसको बोलते हैं सी सेट के मैथ्स और रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोस्ट ऑफ द मैंने कई जगह देखे बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं सोल्यूशंस में विल डू द मोस्ट ऑथेंटिकेट सोल्यूशन तरीका क्या है क्यों ऐसे किया क्यों यूपीएससी इस तरीके से सोचता है थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वही चीजें मैथ्स की है वहां पर और वही चीजें जब दूसरी जगह पूछ रहे हो तो किस तरीके से चीजों को बदल रहा है ठीक है शुरू करते हैं भाई सवाल पे आएंगे देखेंगे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेंगे बहुत शानदार और तरीके से समझ के करेंगे ये नहीं है मैं सोल्यूशन करूंगा साथ में उसका मीनिंग भी सीखेंगे बहुत लंबा टॉपिक हुआ अलग बात है पर जो जनरल चीजें वो पूरा अच्छे से तरीके से करते हुए चलेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आने वाला है इसमें ठीक है पहले सवाल पर चलते हैं अपने जो क्वेश्चन रहेगा मैथ्स और रीजनिंग के हम क्वेश्चन करेंगे पैसेज को हम नेक्स्ट किसी में लेंगे ठीक है तीन पार्ट में रखेंगे तीन चार पार्ट में खत्म होगा पूरा सॉल्यूशन मैथ्स का और उसके बाद पैसेज वाले पार्ट में तो पहले हम मैथ्स uh, और लॉजिकल रीजनिंग को uh, निपटाएंगे और उसके बाद हम पैसेज के पार्ट को देखेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया है? देखते हैं भाई सभी ध्यान देना पूछ रहे हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है वन इंटू फाइव टेन ट्वेंटी ये तो देख लें भाई करना क्या है वन इंटू फाइव टेन इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी इंटू फोर्टी इंटू फोर्टी फाइव इंटू फिफ्टी इंटू फिफ्टी फाइव और इंटू सिक्सटी आई थिंक सिक्सटी तक दिया है ठीक है वो पूछ रहे हैं इन सभी की मल्टीप्लाई करूं तो वो जो मेरा नंबर बनकर आने वाला है उसके एंड में कितने जीरोज़ होंगे ये अपना सवाल पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो द एंड ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट

वो क्या बनाएगा दस मतलब एक जीरो पैदा करता है फाइव इंटू टू की वजह से ही जीरो आता है इस दुनिया में बस ठीक है अब जो लोग बोलेंगे ना फाइव इंटू फोर भी तो ट्वेंटी आ रहे। उसका मतलब क्या है फाइव फोर का मतलब क्या है फाइव इन्टु टु इन्टु टु। एक बार फाइव आ तो फिर आगे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है उसको उसको तो एक टू और एक फाइव से मतलब है एंड वन टू मेक्स वन जीरो छे जीरो तो यहीं से आ गए फिर कहा से देखेंगे हम पाँच तो बहुत जगह दिख रहे हैं यहां भी है सब जगह फाइव के ही पेयर पे हम चेक करेंगे टू कितने हैं और एक्स्ट्रा जैसे यहाँ ट्वेंटी का मतलब क्या हुआ टू इंटू टेन तो टेन का जीरो काउंट हुआ एक एक है टू एक एक्स्ट्रा पेयर है फोर का मतलब क्या है फोर्टी का मतलब फोर इंटू टेन थ्री का मतलब थ्री इंटू टेन थ्री को यूज नहीं अब सिर्फ इवन वाले देखेंगे सिक्स इंटू टेन इसका मतलब क्या हुआ मैं इसको बोल दू टू इंटू थर्टी सिक्सटी को मैंने बोला टू इंटू थर्टी तो यहाँ से कितना एक यहाँ से कितने दो आ रहे हैं टू इंटू टू तो एक दो तीन और चार चार दो और एक्स्ट्रा है जिनको चार पाँच मिल जाए तो क्या बन जाएंगे चार जीरो और और टू कहीं भी नहीं है तो एक फाइव यहां से आ जाएगा एक फोर्टी फाइव से आ गया दूसरा आपका दो यहां से आ जाएंगे तो और एक्स्ट्रा ही है फाइव कम नहीं है दो यहां से आई एक यहां से एक यहां से चार और फाइव मिल गए और चार दो और एक्स्ट्रा है तो मतलब चार जीरो और आ जाएंगे तो प्लस सिक्स प्लस फोर आपका आंसर क्या रहेगा टेन जीरो आपके कितने जीरो रहेंगे आपका ऑप्शन ए है 10 जीरोस चलिए नेक्स्ट पर भाई ठीक है आसान सवाल है सिंपल बेसिक से सारी चीजें देखते हुए समझते हुए चलेंगे नंबर ऑफ जीरो ये पूरा टॉपिक है एक फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस ठीक है आपका क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा लेट एक्स वाई जेड बी ए नंबर एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है थ्री डिजिट नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 एक्स वाई जेड एक ऐसा नंबर है एक्स वाई जेड इज सच ए नंबर वाई प्लस जेड जो भी निकल कर आए थ्री का मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो इसको करने के सबसे सिंपल तरीका ये रहता है आप कोई भी ऐसा नंबर मान लो जो थ्री का मल्टीपल नहीं है थ्री का नहीं है तो नाइन का भी नहीं होगा सिक्स का भी नहीं होगा एक सिंपल चीज देखना क्या कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है ये ध्यान देना तो क्या कह रहे हैं आप क्या लिखें कोई नंबर ले लेता हूं मैं ले ले लिया चलिए वन थ्री और फोर फोर थ्री सेवन वन, सम एट वन ये थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा है मैंने इसको मान लिया अपना करना क्या है मुझे फिर दिया है, मुझे सम न एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई एक्स तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तो यही हो गया एक्स वाई जेड वन थर्टी फोर वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स थ्री फोर वन जेड एक्स वाई क्या दिया है सम करूं मैं देखना कितना फोर वन फाइव और थ्री कितना एट फोर थ्री सेवन और वन एट फोर थ्री सेवन और वन एट सेम नंबर रिपीट होता है जब भी ऐसी कहानी आती है अब देखना यहां पर हो क्या क्या रहा है अब पूछ रहा है देन दिस इज नॉट डिविजिबल बाय ये जो दिया हुआ है अब जो ये एक्स वाई जेड ये जो तीनों सम आई ये किससे डिवाइड नहीं होने वाला है तो देखना भाई हो क्या रहे? को मैं क्या देखेंगे तो तीन से भाग हो रहा है पहला ऑप्शन थ्री से तो हो रहा है सेकेंड ऑप्शन नाइन से ये नंबर नाइन से डिवाइड हो रहा है क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं तो बस अपना ऑप्शन तो यहीं पर ही आ गया कि नाइन से डिवाइड नहीं होने वाला है आप कह दें आगे चेक कर ले तो तीसरा पूछा है 37 से बिल्कुल होगा ये रहा 37 से भी डिवाइड करेगा और वो पूछ रहा है क्या x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करेगा x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे तो कितना तो चार तीन सात और एक आठ ये नंबर आठ से डिवाइड होगा बिल्कुल होगा बात समझ रहे हैं दूसरा आपका बी ऑप्शन जो ये सीरीज बनेगी ये नाइन से डिवाइड आप कोई नंबर ले लेते ये मत सोचना वन थ्री फोर आप जो मन करे बस ऐसा नंबर देख लेते जो थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा है आपके सारे आंसर मिल जाते हैं ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आ जाओ नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका देखें जल्दी से स्क्रीन पर आपकी कह रहे पी क्यू आर बी पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस टू जीरोल टू एस प्लस टू जीरो मैथमेटिक्स नहीं है ये कॉमन सेंस का सवाल था देखना कहना क्या चाह चाहे कि पी माइनस टू जीरो वन सिक्स नेक्स्ट दिया है आपको Q प्लस टू जीरो वन सेवन नेक्स्ट आपको दिया उसने आर माइनस टू जीरो वन नाइन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन चारों में से कौन सा ये नंबर है ना पी क्यू आर एस पी क्यू आर और एस में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये जो भी नंबर बन रहा होगा पी में से इतना माइनस करने से क्यू में इतना जोड़ने से आर में से इतना माइनस करने में 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 इतना जोड़ने ये चारों आपस बराबर है ये जोड़ने घटाने पर तो हमें तो ये देखना है दोस्तों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है P, Q, में से तो आप क्या बोलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा घटाया मैंने इसको देखना इसमें से सबसे बड़ा नंबर माइनस किया है ना सबसे बड़ा नंबर माइनस करने के बाद भी ये जोड़ने वालों के बराबर है मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या रहा होगा आर घटाने वाले दो ही ऑप्शन है 2016 और 2018 इसमें से 2016 घटाया इसमें से 2018 हजार ज्यादा घटाया इसमें से माइनस किया है घटाया इसमें से ज्यादा किया है फिर भी इसके बराबर खड़ा है इनमें जोड़ा है तो भी इसके बराबर है इससे इतना घटने के बाद भी इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका ऑप्शन है जो कि आर वाला होगा आपका ऑप्शन होगा सी दोस्तों उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर है कॉमन सेंस का सवाल था मैथमेटिक्स नहीं था इसमें ठीक है बढ़ेंगे भाई आगे नेक्स्ट पर आ जाए जो भी आपका नेक्स्ट सवाल है आपका देखें जल्दी से भाई स्क्रीन पर देखें अपना सवाल जब तक मैं देखता हूं कोशिश करें कैलकुलेट हाउ मेनी फाइव डिजिट प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो सिर्फ वन से या खुद से डिवाइड होते हैं भाज्य संख्याएं कैन बी ओपटेंड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव देखना ये डिजिट यूज करना है वन टू थ्री फोर फाइव पांच डिजिट का ही नंबर बनाना है प्राइम नंबर बनाना है देखना है मुझे जो भागना हो तो अब देखना यार मैं जैसे इनका सम करूंगा देखना इनका सम कितना रहा और 1, 15. 15 आ गया ये तो सम फिफ्टीन सम आ गया मतलब मैं जो भी नंबर बनाऊंगा वो तीन से तो भाग होने ही वाला है थ्री की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है डिजिट का सम कर लें और जो भी नंबर है अब चाहे आप इसको कुछ भी लिखे फाइव फोर थ्री टू वन हो रहा है क्या अब देखने की ज़रूरत नहीं है क्या आगे पीछे चेक ही मत करो आपको सम देखा फिफ्टीन आ रहा है वो तो थ्री से डिवाइड हो रहा है आगे मुझे सोचना ही नहीं एक नंबर एक्स्ट्रा से डिवाइड हो गया तो ये क्या कभी प्राइम नंबर बन ही नहीं सकते ये नंबर मिलाकर ठीक है बढ़ेंगे आगे छोटे बहुत पेन उठाना नहीं था ऐसे सवाल हैं काफ़ी बहुत सारे देखेंगे आप कि पेन भी नहीं आपको पिक करना था सिर्फ टिक करना था क्वेश्चन समझ के और देखते हैं आगे आपका सवाल कौन सा है सीरीज़ का ये आपका सवाल है हिट एंड ट्रायल उठाना था उठाना था उसमें से बारी बारी ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करना था क्या है ये कोई स्पेस दिया है प्लस वन एंड दिस प्लस फाइव एंड दिस प्लस दोनों सेम यही है और प्लस आपका क्या है आखिर में और ये इक्वल टू किसके होना चाहिए ठीक है दोस्तों ये सवाल है अपना तो क्या कह रहे हैं मुझे इस इस डैश की जगह क्या करूं कि तरफ भी वो जो नंबर लिखूं तो वो इस तरफ सम के बराबर आ जाए. टू, से आप करना शुरू करेंगे। डैश की टू तो प्लस वन प्लस इंट्टी टू प्लस ट्वेंटी वन और इधर कितना बनना चाहिए क्या दिखाई दे रहा है कहीं भी पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सो एक सौ दस के आसपास रुक जाएगा ये मैक्सिमम तो नहीं है टू को हटा दें टू नहीं है चलिए ट्राई करेंगे फिर किस से थ्री से ट्राई करेंगे थ्री पर चेक करेंगे आप सो थ्री प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री प्लस थर्टी वन और इधर कितना बनना चाहिए वन थर्टी थ्री ठीक है तो क्या करें जल्दी से चेक कर लें इसको जल्दी में अगर आपको लगी तीस तीस साठ साठ और पचास कितना हो गया आपका साठ और पचास एक सौ दस एक सौ दस और सात एक सौ सात एक सौ सात और तेरह कितना आपका एक सौ बीस और तीन एक सौ तेईस नहीं बनता है भाई यहाँ भी नहीं बन रहे तो ये भी नहीं है अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पर फोर पे चेक करेंगे तो ये हो गया फोर प्लस फोर्टीन प्लस फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी फोर प्लस फोर्टी वन और वो इक्वल होना चाहिए वन फोर्टी फोर के देखते हैं क्या बनता है चालीस चालीस और पचास एटी और फिफ्टी कितना आपका वन थर्टी वन थर्टी एंड वन थर्टी एट वन थर्टी नाइन यहाँ तक वन थर्टी नाइन एंड फोर वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री और टेन वन फिफ्टी थ्री नहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने लास्ट वाले में तो मिस्टेक नहीं वन फोर्टी फोर वन फिफ्टी फ़ाइव में तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ फिफ्टी फ़ाइव यहाँ भी फिफ्टी फाइव फिफ्टी वन ये क्रॉस कर देगा उसको वन थर्टी थ्री पर चेक करते हैं ज़रूर हमने मिस्टेक किया होगा हंड्रेड परसेंट ठीक है कैलकुलेशन में अपनी कुछ ज़रूर लास्ट क्वेश्चन की एडिशन में कुछ हमने मिस्टेक किया होगा ठीक है क्या है कितना है थ्री है प्लस थर्टीन है प्लस फिफ्टी थ्री है प्लस थर्टी थ्री है और प्लस थर्टी वन है मैंने क्वेश्चन नोट सही किया है क्या डैश वन डैश फाइव डैश डबल डैश और प्लस डैश दिस एंड बिल्कुल ठीक है अब ऐड करते हैं एक बार थर्टी थर्टी सिक्सटी एंड फिफ्टी वन हंड्रेड टेन थ्री थ्री सिक्स एंड वन 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 हंड्रेड टेंथ हो गया हाँ, मिस्टेक कर दिया था हमने वन वन सेवन नहीं वन वन सेवनटीन बन रहे है, मैं जल्दी में वन वन सेवन बोल गया वन वन सेवनटीन और थर्टीन कितना आपका वन थर्टी प्लस थ्री वन थर्टी थ्री बिल्कुल सो आपका आंसर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन थ्री ठीक है दोस्तों बात क्लियर है आपको सभी को बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल पर कि यहाँ पे वो मैच करना था आपको बारी बारी से उठाकर देख लें और ये मैच करने का ही तरीका है और कोई तरीका भी नहीं है इसका सिंपल सी चीज़ है बेसिक कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी नेक्स्ट पर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से क्या कह रहे इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट फीट एंड व्हाट द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर किसका सवाल है ये एच का क्वेश्चन है एच निकालते हैं जब भी इसमें क्या कह दे कह है कि दो आपके पास स्केल uh, है 7.5 फीट का और सेकंड वन इज 3.25 फीट का ठीक है कह रहा एक ऐसा बड़े से बड़ा स्केल बताओ जिससे इन दोनों को एग्जैक्टली प्रॉपरली पूरा पूरा मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है मुझे जो 7.5 और 3.25 को एग्जैक्टली exactly पूरा पूरा डिवाइड करता हो एग्जैक्टली exactly पूरा पूरा डिवाइड करता हो जब मैं काउंट करूं तो उसके नंबर जो उसका आपका डिवाइजर निकल कर आए वो पूरा एंटीजर फॉर्म में आए तो क्या करते हैं वो कौन सा नंबर रहता है जो दो संख्याओं को या तीन संख्याओं को जितने भी दियो को पूरा पूरा एग्जैक्टली exactly डिवाइड करे दैट इज योर एच सी एफ और बड़े से बड़ा हो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर सो क्या करेंगे सेवन पॉइंट फाइव और इसका एच सी एफ लेंगे तो एक तो तरीका है सेवन पॉइंट फाइव अपॉन टेन और थ्री ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड दो तरीके हैं या तो आपको लाइक like डेसिमल में कन्वर्ट करो या इनको कट करें मैं फाइव से डिवाइड कर दू फिफ्टीन फाइव से करूं टू और फाइव से किया तो ये कितना हाँ. 25 से ही हो जाएगा ये तो 5 से नहीं 25 से ऊपर नीचे 25 से 13 25 से 4 15 बाई टू और 13 बाई फोर का जो भी आपका एच आएगा वही आपका आंसर होगा रेशियो जब भी फ्रैक्शन का एच निकालना हो कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं जो आपके नूमरेटर में नंबर है नूमरेटर में कौन है थर्टीन और फिफ्टीन थर्टीन फिफ्टीन का एच कितना वन और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं आप एल्शियम टू और फोर का एल्शियम कितना फोर वन बाई फोर वन बाई फोर कितना होता है जीरो पॉइंट टू फाइव किसमें फीट में तो आपका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी होगा आपका 0.25 फुट 0.25 फुट का स्केल लेंगे तो इन दोनों को एग्जैक्टली exactly डिवाइड करेगा और दोनों को पूरा मेजर करेगा एग्जैक्ट इंटीजर फॉर्म में नेक्स्ट पर आ जाओ को जो भी क्वेश्चन हो जल्दी से आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई बहुत आसान सवाल है मैं कहूँगा रिलेटिवली पीछे के मुकाबले सी सेट ईजी आया है इस बार सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस फोर्टीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी एंड थर्टी टू रिजल्ट इन ए सीक्वेंस फॉलोइंग इन द नेक्स्ट नंबर रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में देखना क्या क्या दिया है आपको फोर्टीन दिया है एटीन दिया है ट्वेंटी दिया है ट्वेंटी दिया है 30 दिया है और 32 देखना इनसे जस्ट पहले प्राइम नंबर है तेरह सत्रह तेईस उनतीस इकतीस अब बत्तीस से अगले नंबर पे जाना है हमें और किसके साथ वो नंबर ऐसा होना चाहिए जस्ट नेक्स्ट इकतीस से अगला प्राइम नंबर कौन सा है आपका थर्टी सेवन होता है थर्टी सेवन प्राइम नंबर उससे एक अगला नंबर अपनी सीरीज का होगा तो कितना आंसर हो जाएगा थर्टी एट ऑप्शन आपका सी बढ़े आगे आसान सी कहानी थी नेक्स्ट पे बढ़ें जल्दी से आसान कहानी है कुछ भी नहीं है इसमें बहुत ईजी था इस बार अगर मैं कहूँ तो रिलेटिवली पीछे के मुकाबले हर बार वन पेज इज फ्रॉम ए बुकलेट हुज आर पेजर्ड इन द मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द द द पेज एज वन सम ऑफ नंबर ऑन द रिमेनिंग पेजेज इज वन नाइन एक बुकलेट थी उसमें से एक पेज निकाल दिया एक पेज निकाल दिया तो उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड के नंबर उस टोटल सम में से गायब हो गए फिर क्या कह रहे हैं पर जो बाकी बचे हुए थे उन सब के नंबर्स को ऐड किया तो कितना आता है 195 अगर सभी रहते कोई ना हो कोई बीच में से ना टॉन किया जाए तो ये रहता ना एन इन टू एन प्लस से आपका समा जाना चाहिए एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ठीक है बात समझ रहे हैं इतनी ये आपका समा जाना चाहिए और वो सम उसने कितना दे रखा है वन हमें सम कितना दे रखा है हमें वन अब ध्यान दें एन प्लस वन बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करता है अगर अपना कुछ भी मान लो पंद्रह तक पेज थे सोलह तक थे तो एन प्लस वन सोलह सत्रह कोई बड़ी बात नहीं तो इसको क्या बोलते थे एन और इसको अगर मैं टू को उस तरफ ले जाऊं को उस तरफ ले जाऊं तो ये कितना बना आपका थ्री नाइन्टी हाँ ना कितना बना थ्री नाइनटी एन स्क्र थ्री नाइन्टी पर ये एग्जैक्ट तो स्क्वेयर नहीं है हम इसके आस ढूंढते हैं कोई नंबर हो आसपास नंबर देखना होता है कि एन स्क्वेयर इतना आ रहा है तो मतलब लगभग एन अगर मैं बोलूँ तो ट्वेंटी हो गया होल स्क्र कहाँ है फोर हंड्रेड पे है तो एन ट्वेंटी हो गया मैं चेक करूंगा ट्वेंटी के आसपास क्या पता मेरे पेज एन ट्वेंटी के लिए काम करे एन नाइनटी के लिए काम करे ऐसा कुछ मैं चेक करूंगा देखूँ आस पास जो भी दिखे और फिर अपने ऑप्शन के साथ मैच करते हैं उसको मैंने ये बोला कि चलिए अगर एन ट्वेंटी है तो मेरे पेजेस कितने रहते हैं सॉरी सम कितना रहता पेजेस का तो क्या करेंगे एन इंटू एन प्लस वन टोटल का आप बिना हटाई बात करेंगे तो एन की जगह ट्वेंटी रखा एन प्लस वन ट्वेंटी किया टेन तो कितना आ रहा है दो सौ दस आप कह रहे हैं कि जब पेज उसमें से नहीं निकाला था उसके हिसाब से दो सौ दस होना चाहिए पर वो एक्चुअल में कितना बता रहे वन नाइनटी फाइव देखू तो कितने सम में डिफरेंस दिख रहा है फिफ्टीन फिफ्टीन दो पेज मिलाकर फिफ्टीन कम दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मुझे जिसमें ऐसा दिखाई दे बी ऑप्शन है अपना सेवन और एट सेवन और एट जो एक पेज निकला हुआ था सेवन और एट उसमें से निकला होगा तभी वन नाइनटी फाइव आ रहा है अदरवाइज कितना आना चाहिए था हमारा टू हंड्रेड टेन बात समझ रहे हैं पे पहुंचे हम क्लॉज किया कि हाँ कि लगभग ऐसा इसके आसपास होगा अगर मान लो बीस में अगर हमारा कोई ऑप्शन मैच ना करता कोई भी तो हम उन्नीस या इक्कीस ट्राई करते समझ रहे हैं मेरी बात ये नहीं है कि बीस ट्राई कर लिया तो बीस पे आ जाता है पता लग जाता है नहीं हम ट्राई करते क्या बोला मैंने ट्राई करते समझ रहे है? इतनी बात बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर अगर ऑप्शन मैच नहीं करता इसमें से चारों में से कोई भी तो वी शुड हैव गॉन फॉर 19 और 21। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट दिस दिस क्या दिया है आपको ए बी ए बी डैश बी डैश बी सी बी डैश डीसी और आगे दिया है डी सी डी सी फिर से मैं इसको नीचे लिख रहा हूं यहां पे डी सी एंड देन डी ई डी डैश डी यही है एक जनरल तरीका क्या रहता है वो देख ले हम इसमें पेयर बनाते हैं बच्चों जनरल तरीका क्या रहता है पेयर बनाते हैं हम इसमें नंबर की काउंटिंग करते हैं कितने या तो एक तरीका ही है पेयर बनाओ तो जल्दी समझ आता है वरना आप चारों बारी बारी से ऑप्शन देखो कि कुछ बन रहा है क्या उसमें भी समझना पड़ेगा आपको किस तरह से बन रहा है देखते हैं क्या करें है? कि ट्वेंटी है ट्वेंटी को पेयर में इस तरह ब्रेक करते हैं कि या तो ये टू और टेन का पेयर बने कि टू टू का सेम बन रहा है और ऐसे दस पेयर बन रहे सेम या ट्वेंटी को क्या लिख सकता हूँ फोर इंटू फाइव की चार चार के पांच पेयर बन रहे हो फाइव इंटू फोर लिख सकता हूँ पांच के चार पेयर बन रहे हो या टू टेन की जगह टेन इंटू टू भी लिख सकता हूँ कि टेन के दो पेयर बनते हो कुछ ऐसा रहता है ये ठीक है तो हम देखते हैं कि बारी बारी से कि, कि किस में ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ हमने देखा ए बी ए बी फिर आ, कुछ डैश है उसके बाद समथिंग समथिंग सी बी डी सी डी डी सी डी सी चार के तो दिखाई दे रहे हैं ना हम चार पहचान पा रहे हैं पूरा ना हम पांच पहचान पा रहे हैं ठीक है तो आप ऑप्शन से चेक कर लें चाहे अगर आप देखें तो बता दूं मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं कि पहला ऑप्शन ये ए बी सी डी यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी और यहाँ डी ठीक है ए बी ए बी ए समझ आ रहा है पांच बी 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 नहीं गड़बड़ हो गया तो हो गया ना गड़बड़ यहीं पे तो नहीं है बी ऑप्शन हटा दें इसको फिर हम बढ़ते हैं आगे दूसरे पे ए बी डी ई ए बी डी ई ए बी ए बी ए बी 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 फिर वही सेम कहानी है नहीं कुछ कहानी समझ नहीं आ रही यहां थर्ड था। देखेंगे आप ए सी सी ए सी सी देखेंगे A, B, A, B, A. चार में तो ए बी ए बी ए कुछ आगे और बनता है ए बी सी बी नहीं कुछ ऐसा नहीं बन रहा है सी अलग है तो पांच के लिए चेक करें दो में तो दिखाई दे रहे नहीं है दो दो का तो। पांच का सेट बनाएं ए बी सी बी सी बी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी डी ई डी बिल्कुल भाई बन गया ये कोई पैटर्न बन रहा है समझ आ रही है बात देखना ए बी ए बी ए बी सी बी सी बी सी डी सी डी सी डी ई डी ई डी बात समझ रहे हैं तो इस तरह से आपको पैटर्न चेक करना होता है ये हाँ कि मेरा पैटर्न भी कुछ बना रहा है क्या ये क्लियर है उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर है करेंगे डिस्कस इसको क्लासेस में कि, कि किस तरह से करते हैं ये अभी आपको शायद समझ आए पर उम्मीद करता हूँ थोड़ी कुछ चीज़ें पता लगी होगी कि ऐसा ऐसा इस टाइप में हम करते हैं ठीक है चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट सवाल पर आ जाए आपका अगला सवाल है क्या करे ए थ्री बी सी एंड डी ई टू एफ आर फोर डिजिट नंबर वेर ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन थ्री इफ द सम ऑफ द नंबर इज वन फाइव नाइन जीरो टू देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी देखेंगे दोस्तों बहुत आसान सवाल है ए थ्री बी सी सेकेंड इज यी एफ डी टू एफ इन दोनों का सम करना है दोनों को जोड़ते हैं तो आता है पंद्रह हजार नौ दो यही है क्या पंद्रह हजार नौ दो बिल्कुल दोस्तों ठीक है अब देखेंगे क्या करें और कंडीशन क्या दी है कि जो भी नंबर ए बी सी ए बी सी डी ई एफ की जगह यूज हो ग्रेटर देन थ्री है तीन से बड़ा होना चाहिए बराबर भी नहीं तो क्या क्या नंबर यूज करते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन यही नंबर यूज हो सकते हैं इनमें छह नंबर की जगह यही अब हमें देखना है सबसे पहले टू आए सबसे पहले टू आए इन दो नंबर कोई इनमें से जुड़े सी और एफ की जगह और टू आ जाए मैं बोल दू आठ और चार अब वो चार आठ कहीं हो कोई मतलब नहीं ठीक है आठ और चार कितना बारह दिखाई दे रहा है अब एक, एक इधर आ गया वन यहां पर आ गया कैरी चला जाता है ना तो मैंने बोला टू प्लस वन कितना थ्री थ्री में कितना जोड़ू थ्री में कितना जोड़ू कि जीरो आए मतलब थ्री में सेवन ऐड करूं थ्री में सेवन एड करूं तो यहाँ सेवन आ गया टेन हो गया जीरो आया वन कैरी फिर चला गया थ्री के पास थ्री एंड वन फोर फोर में कितना जोडू कि नाइन आए, फोर में कितना जोड़ू नाइन आए मतलब फाइव जोड़ दू तो चार नंबर का तो मुझे पता लग गया किस किसका फाइव फोर फाइव सेवन एट यूज हो गया फोर फाइव सेवन एंड एट यूज हो गया दो बचे नाइन एंड सिक्स सिक्स और नाइन सिक्स नाइन फिफ्टीन या नाइन सिक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे मैं सिक्स नाइन लूँ या नाइन सिक्स लूँ क्योंकि ऐड ही करना है तो नाइन सिक्स फिफ्टीन बिल्कुल मेरा बन रहा है नंबर उसने पूछा ए और डी का डिफरेंस बताओ सिक्स और नाइन के बीच में डिफरेंस कितना है थ्री सिक्स एंड नाइन के बीच में डिफरेंस कितना है थ्री तो आपका सी ऑप्शन सही है सी ऑप्शन क्या है आपका सिक्स और नाइन के बीच में डिफरेंस कितना बताना था थ्री बढ़ते हैं अगले सवाल पर भाई ठीक है चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं ओके, okay. क्या कह रहे टू स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू आर गिड बाई ए क्वेश्चन इक्यावन पेज की हमारे पास बुकलेट है और कह रहा है पहली स्टेटमेंट में वो बोलता है कि हर पेज पे एटलीस्ट वन है नोट मोर दे सॉरी एटलीस्ट वन नहीं बोला मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं देयर आर नोट मोर देन टू फिगर दो से ज्यादा नहीं है मैक्सिमम दो हो सकती है पर दो से ज्यादा तो नहीं है ठीक है किसी भी पेज पे दो से ज्यादा क्या नहीं है फिगर नहीं है सेकंड स्टेटमेंट देता है देर आर देर इज एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज और कम से कम हर पेज पे तो एक है ही है इतनी इंफॉर्मेशन हमें उसने दी कि मिनिमम कितनी इक्यावन पेज है हर एक पेज पे एक फिगर हो तो कितनी हो सकती है फिफ्टी वन और सब पे दो दो हो तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है इतना मैं ये बोल सकता हूँ मिनिमम इतनी हो सकती है मैक्सिमम इतनी है? और कुछ नहीं बोल सकता अब सवाल क्या है आप अपना आर देयर मोर देन हंड्रेड फिगर इन दैट बुक आर देयर मोर देन हंड्रेड फिगर इन द बुक गारंटी ले सकते हो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या पता हो यू कांट बी श्योर अबाउट दिस सो so, क्या बोलेंगे आगे जो आपसे इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन पूछ रहे हो क्या कह रहे हैं फर्स्ट बोथ एस वन एस टू आर सफिशियंट इन आंसर द क्वेश्चन बट नाइ दर एस वन नहीं है दोनों ही सफिशियंट नहीं है तो नहीं ये बात नहीं करेंगे अलोन दोनों मिलकर ही नहीं है तो अकेले की कहा तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए एस वन एंड एस टू टूगेदर आर नोट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन सी ऑप्शन होना चाहिए दोनों मिलकर भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं अकेले की तो बात ही छोड़ दें कि मिनिमम 51 फिगर हो सकती है मैक्सिमम 102 हो सकती है मैं इतना ही बता पा रहा हूं अपने जो उसने दिया है स्टेटमेंट हमें ठीक है और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या सो से ज्यादा हो सकती है किसको पता है sure so, आंसर नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन का बढ़ते हैं अगला सवाल क्या दिया है आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में एवरेज का क्वेश्चन दिया है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा ऊपर दिया एवरेज मार्क्स इंग्लिश में और एवरेज मार्क्स हिंदी में गर्ल्स और बॉयज़ के और फिर ओवरऑल एवरेज मार्क्स गर्ल्स अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं गर्ल्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो गर्ल्स uh, के एवरेज मार्क्स नाइन आए हैं बॉयज़ के एट आए हैं और ओवरऑल इंग्लिश में गर्ल्स और बॉयज़ के मिलाकर एट पॉइंट एट मार्क्स आए हैं मैं एक चीज़ यहां से निकाल सकता हूं मैंने कहा ये गर्ल्स एलिगेशन का यूज़ करूंगा गर्ल्स के एवरेज मार्क्स नाइन है बॉयज़ के कितने हैं एट ओवरऑल कितना दिया है उसने एट पॉइंट एट तो एलिगेशन क्या दे देगा मुझे यहाँ से रेशियो दे देगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा मुझे एट पॉइंट एट में से एट माइनस करूंगा दिस विल बी जीरो पॉइंट एट नाइन में से एट पॉइंट एट माइनस करूंगा दिस विल बी जीरो पॉइंट टू और जो यहाँ पे डिफरेंस आई उसका रेशियो लेते हैं तो क्या देगा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू बॉय जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट टू का रेशियो लेंगे मतलब एट इज टू टू मीन्स फोर इज टू वन बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशो आ गया आपका फोर इज़ टू वन अब इस रेशो का इस्तेमाल करेंगे इस रेशो का इस्तेमाल करेंगे किस में अपनी सेकेंड के लिए क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ का रेशो थोड़ी बदलेगा चाहे हिंदी के मार्क्स हो चाहे इंग्लिश स्टूडेंट तो उतने ही हैं तो क्या करेंगे अब हम आएंगे इस कहानी पर फिर से अपने हिंदी के ये इंग्लिश की बात हो गई हमें यहाँ से रेशियो मिला और रेशियो से हम वापस इस पर पहुँचेंगे किस पे आपकी एवरेज पे तो क्या दिया है गर्ल्स बॉयज़ के हिंदी में कितने मार्क्स uh, है एट एंड सेवन एट एंड सेवन एवरेज तो बताना है यही तो बताना है इस बार हमें जो लास्ट टाइम एट पॉइंट एट था उसकी जगह एक्स है उसकी वैल्यू बतानी है और यहाँ पे इनका रेशो ये यह कि यहाँ कुछ नंबर आएंगे जो भी नंबर आ रहे होंगे उनका जब रेशो हमने लिया होगा तो वो रेशो फोर वन आएगा क्यों ये तो वही सेम है गर्ल्स और बॉयज़ सेम है तो रेशो तो बदल नहीं सकता तो क्या करते हैं जब भी ऐसा करते हैं एक तो तरीका यह है कि आप देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है वन ये कितने के बराबर है फाइव सभी को फाइव से मल्टीप्लाई कर दें जो भी है और फिर डिफरेंस से आपको आंसर मिल जाता है बता देता हूं दोनों ही तरीके वरना जनरल तरीका क्या कहता है कि जब भी आपको ये दोनों दिए हों इसके बारे में पता हो रेशियो के बारे में और ये वैल्यू आपको मीन वैल्यू निकालनी निकालने इसको क्या बोलते हैं मीन वैल्यू तो क्या करते हैं दोस्तों इसके बीच के डिफरेंस को इनके रेशो में डिवाइड करते हैं वन को फोर रेशियो वन में डिवाइड करेंगे तो इस तरफ जो वैल्यू आएगी उसकी इस ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा वन अपॉन फाइव इंटू फोर मतलब फोर बाय फाइव मैं बोल दू जीरो पॉइंट एट बात समझ रहे वन को फोर रेशियो वन में डिवाइड करना है और वैल्यू कौन सी निकालनी है फोर वाली तो कितना आएगा वन इंटू फोर अपॉन फाइव तो वन इंटू फोर अपॉन फाइव कितना फोर अपॉन फाइव दैट इज जीरो पॉइंट मीन्स जीरो पॉइंट एट मुझे एक वैल्यू काफी है इसकी जरूरत भी नहीं है जरूरत भी नहीं है ठीक है या 1 इंटू वन अपॉन फाइव जीरो पॉइंट टू ये आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर है सभी को सो so, क्या रहेगा यहाँ पर आपको ये जो मीन वैल्यू रहेगी वो 7 8 के बीच में लाई करेगी एवरेज तो दोनों के बीच में तो क्या रहेगा 7 में ये ऐड कर दूँ तो ये कितना दिख रहा है सेवन पॉइंट एट सेवन से बड़ा है ये एवरेज और एट से कम भी है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सेवन पॉइंट एट जिसको एलिगेशन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है डिस्कस करेंगे आगे बट अभी मैं टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते तो बस इतना समझ ले एलिगेशन से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और सबसे फास्ट इसी से होगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लियर है सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपका ए ऑप्शन है सेवन पॉइंट एट बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे आप क्या कहता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ये फैमिली ऑफ टू जनरेशन ये सवाल देखें ये बहुत ही बेवकूफ़ तरह का सवाल है मैं बता रहा हूँ देना नहीं चाहिए था इसका एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है बहुत ज़्यादा तो ये जानबूझ के आंसर करने वाला सवाल होगा मैं इस बारे में बात नहीं करना पसंद करूँगा लोग जो भी इसको बोले एम्बिग्यूस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मतलब आप क्लियर क्लियरिटी नहीं दिए जिसमें मतलब इस तरह कहें कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी जिसको आप बोले ये तो अब ये ऐसा हो गया इसके सोल्यूशन जब हम देखते हैं तो ये होता है अच्छा और कुछ नहीं तो यही हो सकता है उस तरीके से आंसर किया गया है इसको क्यों कोई चीजें क्लियर नहीं है तीनों ऑप्शन इसमें इस में से क्लियर नहीं दिखते हैं तो नन ऑफ द अबव इसने ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अब का मतलब क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू इसमें अगर ये क्वेश्चन होता ना ऑप्शन होता तो डेटा इन एडिक्वेट तो डेटा इन एडिक्वेट पे आप टिक करते बट डेटा इन एडिक्वेट ऑप्शन नहीं दिया नन ऑफ द अबव का मतलब है इन तीनों में से नहीं है तो जानबूझ के कुछ आंसर करने वाली कहानी है बी ऑप्शन को पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का एमबीग्यूटी है इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर ट्वेल्थ जनवरी इज ए संडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चार ऑप्शन बोला ट्वेल्थ जन बारह जनवरी है किसी साल का ट्वेल्थ जैन ट्वेल्थ ऑफ जनवरी बारह जनवरी है किसी साल का क्या है संडे तो पूछा है चार ऑप्शन दिए हैं। पंद्रह जुलाई संडे होगा क्या अगर लीप ईयर है पंद्रह जुलाई संडे होगा लीप ईयर नहीं है बारह जुलाई होगा क्या अगर लीप ईयर है और बारह जुलाई होगा क्या अगर लीप ईयर नहीं है सेम ईयर की बात करें सेम ईयर की बात करें ये बिना चिंता करे ये नोट कर लें कोड चौदह सौ चालीस दो सौ पचास छत्तीस एक सौ ये नॉर्मल ईयर के लिए और ये जीरो तीन सौ चालीस दो सौ पचास छत्तीस एक सौ ये कोड नोट कर लें बस दो चीजें और आपका सवाल खत्म दुनिया कैसे भी कराती हो आप देखते ही आंसर करेंगे बस याद रहे यहां से तो कोड सेम ही है टू ये सेम है चौदह और जीरो तो क्या करना है जिस जिसके सेम डे मैच करते हो वो क्या रहता है अगर लीप ईयर नहीं है तो जनवरी लीप ईयर ये है नॉर्मल ईयर दिस इज फॉर लीप ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो क्या कहता है जनवरी किससे मैच करता है अक्टूबर से अक्टूबर की तो बात ही नहीं हो रही है तो ये तो हट गया कहानी ठीक है तो क्या कह रहे लीप ईयर में चेक करें जैन है तो जनवरी किससे मैच करता है या तो आपके जाएगा जनवरी ये और या आपके यहां पहुंचेगा जीरो जीरो मैच कर रहे जनवरी जीरो तो आगे फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल की बात की क्या ऑप्शन में नहीं मई जून जुलाई जुलाई से मैच करेगा लीप ईयर के केस में जुलाई से मैच करेगा लीप ईयर के केस में जो कैलेंडर जो कैलेंडर आपका जनवरी का होगा जनवरी का होगा वही कैलेंडर आपका किसका होगा आ, जुलाई का रहेगा वही कैलेंडर किसका रहेगा जुलाई का रहेगा तो 12 जनवरी की बात है ट्वेल्थ जनवरी तो ट्वेल्थ को ही कब ट्वेल्थ को और लीप ईयर की बात है ध्यान रखना ट्वेल्थ जुलाई को आपका अगला संडे होगा ट्वेल्थ जुलाई को आपका क्या पड़ेगा संडे कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका ट्वेल्थ जुलाई जे संडे इफ द ईयर इज ए लीप ईयर सी ऑप्शन खत्म भाई कुछ सोचना पड़ा क्या बस इतना कोड आपको देखना था कोड से मैच किया आपने आपका आंसर खत्म ठीक है दोस्तों बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पर आ जाइए अगर जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो हर डे आगे बढ़ाते हुए जाना पड़ता है आपको ऑप्शन मैच करने पड़ते हैं बेहतरीन इससे बेहतरीन और इससे अच्छा तरीका और नहीं है इस सवाल को करने का वादा है मेरा आपसे नो अदर वे टू स्टेटमेंट्स एस वन एंड एस टू आर गिवन आपकी आर इज ग्रेटर है पी हो चाहे दोनों बराबर हो चाहे पी से क्यू छोटा हो चाहे क्यू पी से बड़ा हो हमें मतलब नहीं आर के नीचे बैठे हैं ये कहीं भी हो नेक्स्ट स्टेटमेंट है एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन एस सबसे बड़ा नहीं है ये दोनों तो आर से पहले ही छोटे हैं मतलब इससे आगे जा नहीं सकता तो इनके चाहे सबसे छोटा हो चाहे इनके बीच में हो कुछ भी हमें मतलब है क्या हमें ये पता लग गया आर इज लार्जेस्ट आर क्या हो गया लार्जेस्ट हो गया इतनी बात समझ आ गई और कुछ भी पता नहीं है आगे क्या पूछा है अमंग द फोर नंबर पी क्यू आर एंड एस विच वन इज द लार्जेस्ट यही पूछा है आपसे लार्जेस्ट कौन है पूछे तो लार्जेस्ट हो गया अब आपको बताना है कि हमें इनमें से क्या क्या हेल्प मिली हमें इन दोनों की जरूरत पड़ी ना तभी मैं बता पाया आर लार्जेस्ट है अगर पहली स्टेटमेंट रहती तो क्या पता लगता पी क्यू और आर अब एस के बारे में पता ही ना होता तो क्या बोलेंगे आप सी ऑप्शन आपका एस वन एस टू आर टूगेदर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर एस वन अलोन एंड एस टू अलोन कैन आंसर द क्वेश्चन सी ऑप्शन दोनों की ही जरूरत है तो आप आंसर कर पाएंगे अकेला एस वन और अकेला एस टू आंसर नहीं कर सकता बढ़ेंगे अगले सवाल पर आसान सवाल थे आप समझ रहे हैं बहुत ही आसान नेक्स्ट आपका क्या है टू स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू आर गिवन पहली स्टेटमेंट क्या है इज़ है. है? तो कितना आता है ये दूसरी स्टेटमेंट आपकी आगे क्या पूछा है सवाल क्या है आपसे क्वेश्चन क्या है इफ एन इज ए यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी एन जो है ना दस और बीस के बीच में दस और बीस के बीच में प्राइम कौन कौन से हो गया आपका ग्यारह हो गया तेरा हो गया और सेवनटीन हो गया नाइनटीन हो गया ये दिखाई देते हैं आपसे पूछ रहा है कि एन इन चारों में से ही कोई है कौन सा एन है जिसको चार से भाग दूं तो एक रिमाइंडर इन दोनों में तो नहीं बचते पर ये तो दो हैं तेरह और सत्रह दोनों अब थर्टीन को डिवाइड करोगे तो भी वन रिमाइंडर आ रहा है फोर सेन को डिवाइड करोगे फोर से तो भी वन रिमाइंडर आ रहा है मतलब आप श्योर नहीं हो वो थर्टीन की बात कर रहा है या सेवेंटीन की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे आपका आंसर होगा डी ऑप्शन एंड टू आर आंसर क्वेश्चन दोनों ही आंसर कर नहीं पा रहे में so इसको आंसर देने में पर्याप्त नहीं है एस वन एस टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें आर नॉट सफिशेंट टूगेदर टू आंसर द क्वेश्चन आसान सवाल है सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना था, था, था प्रोसेस को देखना था और आपकी कहानी खत्म टू स्टेटमेंट है एस वन एस टू एस वन के बारे में क्या बोल रहा है दो नंबर है प्रोडक्ट है कितना ट्वेंटी वन दो नंबर है प्रोडक्ट कितना है ट्वेंटी वन और उनका सम दस है सम कितना है दस बहुत आसान सवाल है दो नंबर गुणा आपकी है इक्कीस जोड़ उनका है दस सम वन एंड देर सॉरी सॉरी सम टेन प्रोडक्ट ट्वेंटी वन सेवन एंड थ्री सोचने की जरूरत है क्या सात और तीन दस सात इक्कीस बस खत्म यही नंबर होंगे तो क्या हो गया बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा एस वन एस टू टूगेदर आर सफिश टू आंसर द क्वेश्चन दोनों मिलकर ही आंसर कर पाएंगे अकेला एस वन अकेला एस टू से आंसर नहीं कर पाएंगे तो सी ऑप्शन है आपका बढ़ सकते हैं आगे कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जल्दी से क्या कहता है ए मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस अपने घर के पीछे की से चलकर सीधा 25 मीटर जाता है देन ही टर्न्स राइट वॉक 50 ये वो चलिए मैंने कहा यहां ये है ये उसके घर का फ्रंट है तो इस तरफ चलता है वो ये घर है अगर फ्रंट में वो है तो ये बैक साइड है तो बैक में चला कितना ट्वेंटी मीटर ठीक है फिर क्या कहता है एंड टर्न्स टू राइट टर्न्स टू राइट राइट मुड़ा जो आप सामने से देखते हो आपका लाइट उधर का रेफ्ट तो लेफ्ट राइट right, तो इधर मुड़ा तो ये कितना हो गया 50 इधर गया फिफ्टी इधर इधर इसके लिए left इधर और कितना चला चला। है? 25 मीटर फिर से चला। अब आगे क्या बोला ईस्ट उसका घर ईस्ट को कर रहा है। मतलब इस तरफ ईस्ट है ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट यही रहता है आपकी साइड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अब उसने पूछा क्या आपसे वट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट यहां था यहां से इसकी ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन क्या रहेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिख रही है बीच में फोर्टी बीच को एग्जैक्टली क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डी ऑप्शन हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट बहुत आसान सवाल था डायरेक्शन का देता है लगभग देता रहता है हटें आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं डी ऑप्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसका

तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज बढ़ सकते हैं आगे भाई आसान सवाल कुछ भी नहीं डिविजिबिलिटी पे सवाल पूछे वो भी छोटे नंबर्स के साथ कोई कहानी में दम नहीं अगले सवाल पर आएंगे ओके ठीक है इतना ही आपका है इस सेशन को इतना ही रखेंगे बाकी मैं दो तीन सेशन और लेकर आऊँगा उसके साथ आपके रखेंगे क्वेश्चन सेम इतने ही डाले गए थे आज के सेशन के लिए तो और आगे नहीं बस ये आपका आखिरी सवाल है आज का नेक्स्ट दो सेशन में और लूँगा दो सेशन में और इस सेशन में मुझे लगता है हमने अट्ठारह उन्नीस सवाल किए लगभग आपके 55 40 54 क्वेश्चन थे जो आपके मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के तो तीन पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे थ्री टू फोर पार्ट में इसके सेशन में और द मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन और द बेस्ट वे सॉल्यूशन मिलेगा आपको ठीक है दोस्तों चलिए जुड़े रहे हैं हमसे मैं रुद्र प्रताप और सी सेट का ये आपके जो भी सॉल्यूशन है मैं आप लगातार अब आपके साथ डालता रहूँगा अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें बने रहें हमारे साथ हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ें और इस चैनल को जितना आप हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जय हिंद जय जै भारत अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें ठीक है दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट पर आ जाइए